गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिजिक्स के फंडे चैनल में। आपका ये क्वेश्चन है, ये अगर आप देखोगे तो नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ये एनटीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, समझ गए, एनटीएससी में। तो इस हिसाब से ये नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अभी का जो जेई मेंस का पैटर्न है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा, तो ये एनटीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको नीट में भी पूछ सकता है और जेई मेंस में भी पूछ सकता है। क्या एक कार ऑफ लेंथ 3 मीटर मूव्स एट ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। ए मैन वांट टू टेक ए फोटो ऑफ साइड व्यू, कार का साइड व्यू का फोटो लेना चाहता है, साइड व्यू ऑफ द कार। द साइज ऑफ द इमेज ऑफ कार इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। द टाइम ऑफ एक्सपोजर नीड फॉर द कार टू गेट ए क्लियर पिक्चर इफ द इमेज शुड नॉट मूव मोर देन 0.1 mm। तो मीन्स क्या है कि जितने देर में हम फोटो लेना है उसमें क्या है, कार कितने स्पीड से नहीं मूव करना चाहिए आपका 0.1 mm से। सबसे पहले क्या आप यहाँ से कार का लेंथ कितना है 3 मीटर, यही है ना, तो आपका यू कितना हो गया 3 मीटर। 3 मीटर मीन्स 300 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। और स्पीड ऑफ कार क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार कितना है 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर है आपका स्पीड ऑफ कार, ऐसे इसे लिखते हैं स्पीड ऑफ कार जो आपका है, स्पीड ऑफ कार जो है 36 किलोमीटर पर आवर है। इसको अगर मीटर पर सेकेंड में बदले कितना है 36 × 5/18, 1 किलोमीटर आवर का क्या, तो 5/18 मीटर, इससे 2 से कर देंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कार चल रहा है। कार ऐसे चल रहा है, समझो कि एक कार चल रहा है, एक कार है, इसका लेंथ कितना है आपका 3 मीटर, समझ गया, और इसके स्पीड क्या है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ये फोटो व्यू ऑफ कार, द साइज ऑफ इमेज ऑफ कार, इसका जो इमेज आएगा ये कितना होगा, इमेज ऑफ कार जो होगा ये तो ऑब्जेक्ट होगा, इसके इमेज जो होगा आपका क्या, इमेज जो होगा, इमेज ऑफ जो कार है वो कितना है, इमेज ऑफ कार जो है आपका 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इमेज ऑफ कार क्या है 1.5 सेंटीमीटर। बोलता है द टाइम ऑफ एक्सपोजर नीड फॉर ए कार टू गेट क्लियर पिक्चर इफ द इमेज शुड नॉट मूव मोर देन 0.1, मीन्स जो इमेज है वो सर्टेन टाइम में क्या है 0.1 mm से नहीं मूव करे। हमें पता क्या है एम बराबर क्या होता है, तो आपको याद होगा मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, क्योंकि लेंस होता है जिसमें क्या, तो बी बाई यू एच आई हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है। हमें क्या हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां से हम बोल सकते हैं वी बाई यू बराबर हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसीलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर क्या होगा वी बाई यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज भी क्या है, डिस्टेंस भी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, यू क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इनटू हाइट ऑफ, समझ गए। तो अगर मान लो ये क्या हाइट ऑफ इमेज हाइट, दोनों साइड अगर टाइम से डिवाइड कर दें क्या हाइट ऑफ, दोनों साइड हम टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या होगा आपका, यहां से हमने क्या बोला v बाई यू इक्वल टू एच आई बाई एच यू, यहां से क्या हो हाइट ऑफ इमेज बराबर v बाई यू इंटू एच, दोनों साइड अगर टाइम से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज वी आई बराबर v बाई यू, वेलोसिटी यहां पे इसलिए अगर दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दें एच आई बाई टी v बाई यू इंटू टी एच ओ बाई टी, यहां से क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ इमेज
इक्वल टू जी बाई यू इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, मींस वेलोसिटी ऑफ ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है उसके वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ कार होगा, यही वेलोसिटी ऑफ कार होगा। यहां से क्या वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर हो गया वी बाय यू। वी कितने आपका 1.5 सेंटीमीटर, इसको अगर मीटर में बदलो 10^-2 और यहां पे क्या लिखते हैं 3 मीटर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 10, एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मींस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर वेलोसिटी ऑफ कार, क्योंकि जिस स्पीड से वेलोसिटी ऑफ कार चले उसी स्पीड से ना, क्योंकि उसी का हमको कार का इमेज ले रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ कार इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये कितना है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पुट कर दिए तो देखो कितना आएगा आपका, यहां से अगर आप करोगे यहां से 2 1.5 से 3 हो गया ना, और यहां से 5 × 10^-2 मीटर पर सेकेंड, यही हो गया। अब हमें क्या है टाइम ऑफ एक्सपोजर क्या है, टाइम ऑफ एक्सपोजर निकालना है। तो क्या है कितना देर बोला है, क्योंकि आपका 0.1 mm चलना चाहिए, तो डिस्टेंस बाय टाइम कितना था 0.1 mm, तो 0.1 × 10^-3 बाय 5 × 10^-2 यहां से ऊपर जाएगा क्या होगा आपका 0.1 × 10^-3 × 10^+2 बाय 5। यहां से क्या होगा आपका, अगर आपका 0.1 × 10^-1 बाय 5 यहां से और करेंगे तो यहां से क्या होगा 10, यहां क्या 1/5 × 10^-2 हो जाएगा, और यहां से क्या कर सकते हैं 0.2 × 10^-2 बराबर क्या होगा 2 × 10^-3 सेकेंड। समझ गए 2 × ऑप्शन नंबर डी। हमने क्या किया एक बार फिर से इसको, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है ऑलरेडी एमटीएससी में पूछा गया, एक अच्छा क्वेश्चन है, तो कैसे हम सॉल्व करेंगे एक बार फिर से हम देखते हैं। हमने क्या किया है कि कार जो है ऐसे जा रहा है, मान लो कार है और एक कैमरा है, मान लो ये आपका यही कार है, मान लो ये कार है और एक कार ऐसे जा रहा है, कितने स्पीड 36 km/h से, मीन 36 km/h मीन इसका स्पीड क्या है 10 m/s, और इसका लेंथ क्या 3 meter। ऑब्जेक्ट जो इसका लेंथ है वही क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट का लेंथ, तो ये 3 meter हो गया। और बोला इसका इमेज जो है कितना बन रहा है आपका, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन कितना 1. इसका इमेज जो बन रहा है 1.5 सेंटीमीटर बन रहा है लेंस में, अगर स्थिर हो 1.5 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे क्या है हाइट ऑफ इमेज जो है इस तरफ जा रहा है, इसका यही आपको हाइट समझ, हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, समझ गए। तो इस तरह से आप इसको ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, समझ गए, हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इस तरह से जा रहा है हाइट ऑफ इमेज, ये 3 meter है, इसका इमेज कितना बन रहा है 1.5 सेंटीमीटर, कुछ इस तरह से ले रहे हैं कैमरा लगाया है, ये हाइट दिख रहा है, इस तरह से कैमरा लगाया है, ये आपको लॉन्गिट्यूडनल लेंथ ना दिख के क्या दिख रहा है हाइट दिख रहा है हाइट, समझ गए, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ दिख के क्या दिख रहा है कैमरा, हमने इस तरह से नहीं लगाया, समझ गए, इस तरह से नहीं लगाया, हमने क्या लगाया इस तरह से लगाया, जिससे ये क्या दिखा है इसका इमेज जो दिखे हाइट के फॉर्म में दिखे, नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा। अदरवाइज अगर आप इसको इस तरीके से नहीं देखोगे तो फिर आपको दिक्कत, अगर लॉन्गिट्यूडनल से अगर ऑप्शन को अगर नहीं देख के करेंगे यहाँ पे आपको m बराबर क्या आ जाएगा वी बाई यू हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ से अगर लॉन्गिट्यूडनल करेंगे तो आपको आ जाता है इस तरह से आएगा क्वेश्चन, इसीलिए आप इसको ध्यान रखना, कुछ लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है किसको आप लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि वहां पे जो होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर होता है अगर लॉन्गिट्यूडनल वी बाई यू का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तब होता है जब लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऑप्शन से ऑप्शन को देखोगे तो इस ऑप्शन ऐसे करने से आपको आंसर नहीं आता, तो आप इसको ये मान के चलो क्वेश्चन में नहीं दिया गया कि आपको ये क्या है आपका लेंथ जो है हाइट, कि इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज ये आपका 3 meter है
और ये क्या है आपका 1.5 सेंटीमीटर। तो आप यहां से हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या लिख सकते हैं, v बाई u हाइट ऑफ इमेज, ये एक अच्छा। और यहां से आप वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर v बाई u वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो ऑब्जेक्ट, ये हमने हाइट को वर्टिकल लिख देखा है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं देखा। अगर लॉन्गिट्यूडनल देखे हैं तो वहां स्क्वायर हो जाएगा, जिसके वजह से आंसर नहीं आएगा। तो आप इसको इस तरह से देखें और आंसर क्या होगा आपको सिंपल सा ये लगा के उसके बाद यहां से आप निकालो वेलोसिटी ऑफ इमेज और फिर 0.1 को टाइम बराबर क्या होगा 0.1 m बाय वेलोसिटी ऑफ इमेज। समझ गए? और आपको कोई भी दिक्कत हो इस पे फिर पूछ सकते हो। आपके आपके पास हमारा नंबर है 7361990990। समझिए, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। थैंक यू।